कतरोक समय लग जाए कि मूर्ति तैयार हुआ में तो ये कतरों को कारोबार हो जाए जे। राम राम जी, मैं राजेश बाजिया अपना नीमका थाना पर थारो घणु स्वागत करूँ छू। आज आप नीमका थाना का बलेसर गांव में आया जा जठे मूर्ति कला को बहुत बड़ो उद्योग चाले जे और बलेसर सुले और घुसली तक घुसली ढाणी है बढ़िया तक यो काम चाले जे। अठिया को जो माल जे वो पूरा भारत में जाए जे। बीके बारे में आप पड़ताल करांगा पूछांगा अरे जो कारीगर हैं जो मूर्तिकार हैं बस वहाँ पर चर्चा करा दो। तो ये कौन सा पत्थर है जो अभी शहीद की जो मूर्ति है मकराना सेकंड में है ये? अच्छा मकराना सेकंड, तो ये कतरोक समय लग जाए कि मूर्ति तैयार होगा में? देखो दो आदमी ने कम से कम डेढ़ महीना लग जाए। अच्छा दो आदमी ने डेढ़ महीना लग जाएगा। तो एक जो मूर्ति बने है या शहीद की लगभग तो कतरी की पर चार्ज लग जाए मतलब खर्चो कतरो लग जाए चार्ज लाख बनवा तो हो दो 1,20,000 रुपये। अच्छा 1,20,000 मकराना पत्थर है? मकराना सेकंड में। मकराना सेकंड में और मकराना फर्स्ट अलग वजह? हाँ। अच्छा तो आओ आप देखा जाओ और कौन कौन सा पत्थर का मायने मूर्ति बने थे। और ये दोनों मूर्ति मकराना की हैं, फिर ये वियतनाम में है, ये भी वियतनाम में है और ये अलवर फर्स्ट में है और ये मकराना की है और ये बजरंगबली है जो अलवर फर्स्ट में है और ये ब्लैक माल दिख रहा है ना आपको? अच्छा हाँ ये ब्लैक अलग ही दिख रहा है तो भी सारा तो संगमरमर को से अलग है। ब्लैक कौन सा पत्थर है? ये मकराना का है कोटपुतली के पास में सब जगह का। तो ये कतरों को कारोबार हो जाए जे मतलब महीना को एक आपने पूरा कोई एक अपनी दुकान को नहीं जो सारा अपने आस पास जितना भी कारोबारी है कतरा ला कर जाऊँगा एक ट्रोन और हो जाए जे। साल को या महीना को बताओ ना तो आप साल को बता दो मेरे बता सकूँ नहीं भी गंदा तो लाग जाए एक देखो 40,000 रुपये और टन मार हो जाए 40,00,000 को सालाना सालाना 40,00,000 को एक दुकान पर ही टर्नओवर हो जाएगा। आज थोड़े कम से कम 20-40 कारीगर होगा 20-40 का दुकान बीस कारीगर था ना नहीं अठे तो 20 कारीगर जो लेकिन पूरा मतलब एरिया की बात करा पूरा मतलब 40 ही कारीगर पूरा। अच्छा 40-50 उद्योग थे और जहाँ लगभग फिर तो थारो 40,00,000 को एक टर्नओवर हो जाए तो 4-5 करोड़ को तो मान लीजिए सारा को मिल मिला तो 4-5 करोड़ को टर्न ओवर हो जाए जा। नीम का थाना मतलब बढ़िया उद्योग चाल रहे हैं तो और साहब एकदम गांव में जंगल में जे जंगल में बिल्कुल कतरी बड़ी कला जे अरे सारा कारीगर जो अपने नीम का थाना का जी मतलब गांव का ही सारा ही गांव का ही देखो सारा का सारा ही गांव का ही कलाकार जे जो मूर्तिकार जे मूर्ति कला सीखे तो सारा बाहर ट्रेनिंग ली थर जाए या फिर अड़ी सीख का काम करता करता कुछ थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं आपस के मायने अच्छा एक दूसरा का हेल्पर हो तो दे दे काम सीख गया। तो देखो साहब ये आसान काम तो कोनी खैर है हर कोई कौन कर सकेगा मूर्ति कला का काम। अच्छा अच्छा तो आओ और भी कार्यक्रम बात करा जाए। हाजी की नाम तो देखो कारीगर भी काम कर रहे जी की तरीका से मूर्ति बनाई जाए जी जो अपने मूर्तिकार जी है जो भी मशीन चला रहा था अपन बताऊंगा कि कैसी मूर्ति बनाई जाए जी। ये पार्वती मैया की मूर्ति है जी मतलब पार्वती मैया की मूर्ति है और ये मशीनों से हाथों से बनाई जाती है मतलब। अच्छा या पार्वती माता की मूर्ति है जो ये देखो डिजाइन बना रखी है पत्थर पर अभी इन्हें धीरे धीरे पूरा काट दे और पत्थर से पूरा उकेरेगा अलग अलग और पूरी ओरिजिनल मूर्ति का रूप ले लेगा पार्वती मैया को रूप आ जाएगा। दूसरा बाबा जी ने पूछा था बाबा जी कौन सा बात है माइन काम है मूर्ति को? ये मकराना मार्बल और एक ये जीरी मार्बल एक बैसलाना मार्बल और एक अभी बाहर का आ गया पत्थर जो क्या नाम से वियतनाम का एक अंबाजी एक राजनगर। अच्छा अच्छा ये 4-5 क्वालिटी बना के देते हैं मतलब।
तो कौन सा पत्थर है जो आसानी से जिसकी मायने मूर्ति बन जाए और कौन सा ज्यादा मेहनत करनी पड़े जाए? देखो मेहनत तो ज्यादा ये गिरी वाला आता है ना, ये जरा हार्ड आता है और मकराना जरा सॉफ्ट आता है और अंबाजी सॉफ्ट आता है, एक बाहर का वियतनाम वो सॉफ्ट आता है। सबसे वाइटनेस है इसमें ये वियतनाम का। अच्छा, तो मैं थाने पूछूं यो गांव को मैं है घुसड़ी में कतरी की दुकान से या लगभग कतरा व्यापारी से? होंगे पीछे की दुकान, पीछे की दुकान मतलब बड़ी पूरा गांव को मैं से या बाहर स्टैंड तक? बाहर स्टैंड। अच्छा, हमारे बाबा जी की वजह से ही मतलब कस्टमर आते हैं, जैसे दिल्ली से आ गए, बॉम्बे से आ गए, तो यहाँ खीर खाते हैं, खीर खाने के बाद में फिर हमारे को मूर्ति का ऑर्डर मिल जाता है, ले यार मूर्ति वहाँ से बनवाएंगे पंडित जी के पास, तो इस वजह से हमारा दाल रोटी का खर्चा चल जाता है। और बाकी गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं है हमारे पास, ना कोई लोन, ना कोई और कोई नहीं है। हेलो, बहुत ही अच्छे लग रहे साथ से बात करी है और नीम का खाना की जाए कला जे या जीवित करना की जैसे बोल रहा तो ज़्यादा पड़ता रहा कि या कला जे ज़्यादा पड़ता रहा कला नहीं जैसे बता रहे हैं लोग, इसके लिए बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं।